Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing about your trigonometric substitution. Trigonometric substitution के बाकी के जो format है वो हम आज पहले discuss कर लेंगे. वो discuss करने के बाद आपके M22.2 के homework के जितने भी doubts हैं वो सब finish कर देंगे, right? So let us start the other trigonometric substitutions, जिसमें ये सारे आपके module में दिए गए हैं. उसमें से कितने आपको याद रखने हैं, किस तरीके से याद रखने हैं, वो सारी चीजें discuss करते हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मेन नेम क्या था वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पावर में रेडिकल है, पर्टिकुलरली वो रेडिकल भी ऐसी पावर है जिसमें डिनोमिनेटर आपका 2 है, राइट, जैसे वो स्क्वायर रूट हो जाता है या 1/√ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 -3/2 लाइक दैट, राइट. जैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1/√ a² - x² है. तो ये ऑलरेडी हम देख चुके थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपका x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और टेन थीटा के अलावा हम कॉट थीटा पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट. बट जनरली वी आर गोइंग टू टेक ए टेन थीटा ओनली क्योंकि ए कॉट थीटा के केस में आपका डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आ जाएगी, राइट, जो आपके सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम कर सकती है. सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और 1/√ a² - x² में वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ए साइन थीटा. x प्लस और माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n. अब जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म आएगा उसमें, अब ये एक आपको अलग से याद रखना है, स्पेशली एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट वी आर गोइंग टू टेक t. जो ब्रैकेट के अंदर आपका एक्सप्रेशन उसे हम t ले लेंगे, दैट मींस x, उसके बाद जो भी आपके पास प्लस और माइनस √ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n. अब बोलोगे सर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा आपका जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन को अगर आप टी ले रहे हो, अभी के लिए मान लो मैं सभी जगह पे प्लस ले रहा हूँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, रूट का हो जाता है 1/√ x² + a² और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 dt. 2 कैंसिल, तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगेन आपको एक्स प्लस √ x² + a² मिलेगा कि नहीं, टेल मी. क्योंकि हमने उसको टी लिया है ऑलरेडी, राइट. तो जब भी आपके पास ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स है उसके साथ आपका प्लस और माइनस स्क्वायर रूट √ x² + a² है, उसकी पावर कुछ भी आपको दी गई हो, 1, 2, 3 और एनी पावर, जस्ट टेक दैट एक्सप्रेशन एज टी. वो एक्सप्रेशन को आपको टी ले लेना है. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाय अना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट. 2x/a² - x² 2x/a² + x² a² - x² / a² + x² अब पर्टिकुलरली हमने इसमें a² - x² / a² + x² वाला मैंने आपको दिखाया था, बट वो a - x / a + x वाला दिखाया था जहाँ पे हमने ये दो चीजें डिस्कस की थी कि 1 - 10² / 1 + 10² आपका cos 2θ होता है, एज वेल एज 1 - cos 2θ / 1 + cos 2θ भी 10² होता है, जो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो या डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो अप्लाई करके आया हुआ है. नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर, अगर a - x / a + x है तो हम उसे cos 2θ ले लेंगे ताकि 1 - cos / 1 + cos लग जाए. अगर a² - x² / a² + x² है, बेटर वी विल टेक x इज इक्वल टू a tan θ, राइट, क्योंकि वहां पे आपका 1 - 10² / 1 + 10² बन जाएगा जब हम a² को कॉमन ले लेंगे. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? पहले हाय अना, एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. मानसी, रिया, अनका, विवेक, ओशी, प्रांजल, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके थे, राइट. सानिया, अब उसमें ये उसी का दूसरा फॉर्म है, a² - x² / a² + x² तो हम x इक्वल टू a tan θ लेंगे. बट ये tan थीटा लेने से कहाँ कहाँ पे दूसरे आपकी फॉर्मूला बनती है वो भी आप याद करो. तो ये आपका 2 tan θ / 1 - 10² θ 2 tan θ / 1 + 10² θ तो ये 1 - 10² / 1 + 10² ये आपकी cos 2θ की फॉर्मूला बन जाएगी, समझना. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2θ. इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो आपकी साइन 2θ की फॉर्मूला बन जाएगी, एंड जो एकदम इनिशियली लिखा हुआ है वो tan 2θ की फॉर्मूला बन जाएगी. सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करना समझ में आ रहा है ना एवरीवन? हाँ या ना, राइट. सी, अगर a² + x² आपको सेपरेटली दिख रहा है, देन यू नीड टू टेक x इक्वल टू a tan थीटा. a² - x² सेपरेटली दिख रहा है, x इक्वल टू a sin थीटा. बट जब x/a² + x² है या x/a² - x² है, एट दैट टाइम इट इज बेटर टू टेक tan थीटा इन बोथ ऑफ देम, राइट, क्योंकि 10/1 + 10² वहां पे वो आपका sin 2θ हो जाएगा, यहाँ पे 10/1 - 10² 10 2θ हो जाएगा. इज दिस क्लियर? आगे बढ़े एवरीवन. हाय अना,
अब इसके बाद आपको मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा ही दी गई है, जैसे 1 अपॉन x प्लस ए टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन, x प्लस बी टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एन, जहां पे आपको बोला गया x प्लस ए बाई x प्लस बी को आप t ले लो, n ग्रेटर देन 1। अब अगर कभी भी आपको ये फ्रैक्शन में दे रहे हैं, समझना, कभी भी आपको ये फ्रैक्शन में दे रहे हैं तो ये वाला करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले आपको 1 माइनस 1 बाई एन और 1 प्लस 1 बाई एन में सेपरेट करना पड़ेगा, और ये फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 1 माइनस 1 बाई एन और 1 प्लस 1 बाई एन है। सो नियरली इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, सो यू कैन इग्नोर दिस। इसकी जगह पे हमने वो वाला याद रखा था एंड ऑलरेडी हम करके गए थे, शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला बुक में, ये रहा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाई एम, बट वहाँ पे वो प्लस था प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। ओके, तो अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो, इसका इतना वो काम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये तो हम देख के ही गए थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में दिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वी कैन टेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, एंड बेटर वी आर गोइंग टू टेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है पहले एवरीवन? आया ना, तो अब इसके बाद वाले दिखाता हूँ। चलो सेवंथ वन, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये वाला हम ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट क्लास में, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, जहाँ पे एक्स इक्वल टू हम ए कॉस टू थीटा ले लेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस वो आपकी टेन स्क्वायर की फॉर्मूला बन जाएगी, राइट, और टेन स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर प्लस ऊपर है माइनस नीचे तो नो प्रॉब्लम, 1 अपॉन टेन स्क्वायर बन जाएगा। उसी टाइप का अब एक ये दूसरा है जिसमें आप ये देखो कि ये एक में x प्लस है, एक में x माइनस है, कैन यू सी दिस, ऊपर दोनों में आपका a माइनस x a प्लस x है, उसमें भी वही एक माइनस एक प्लस है, बट समझो वहां पे एक a माइनस x है, एक a प्लस x है, वो पूरा आपका फॉर्मेट ही बनता है 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, बट यहाँ पे एक आपका x माइनस अल्फा है, एक आपका बीटा माइनस x है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों जगह पे आपका डिफरेंस ही है, बट एक बार x माइनस अल्फा, एक बार बीटा माइनस x है, वो चाहे आपका डिविजन में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो। तो जब भी आपके पास ऐसी टर्मिनोलॉजी हो कि x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, एक x माइनस अल्फा एक बीटा माइनस एक्स है, एक x माइनस अल्फा एक बीटा माइनस एक्स है, वो केस में आप x को ले लो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ताकि a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, अगर वो a भी दिया है तो अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, तो उससे फायदा क्या होगा, अगर आप उसे x माइनस अल्फा में कर रहे हो तो वहां पे अगर आप अल्फा कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा, उसमें माइनस अल्फा कॉमन ले ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। सेम नीचे बीटा माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, पूरा फंक्शन आपका 10 में बन जाएगा एंड बाकी सारी चीजें आपकी कॉन्स्टेंट एक साथ आ जाएंगी। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है स्टूडेंट्स, आया ना, राइट। अब इसके नीचे वाले जो है विच आर नथिंग बट स्पेशल केसेस विच वी हैव सीन अबो ओनली, इन सब के स्पेशल केसेस हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें उन्होंने x इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा लिया है, बट ये इस तरीके से याद मत रखो। सी अगर डायरेक्टली ये टेबल देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डायरेक्ट ये टेबल देखकर याद रखने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से याद रखू। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बस यहाँ से शुरू किया कि ऐसा है तो ये याद रखो, डू यू रिमेम्बर दैट, राइट, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले ही आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिए गए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? आया ना। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला भी हमने देख लिया था, राइट, दिस इज न्यू, ये आपका न्यू है, ये भी हमने देख लिया था, बस वो टेन टू थीटा की फॉर्मूला बन रही है, नया है उसको याद रखना ही नहीं है, ये भी हम देख चुके थे, ये भी देख चुके थे, दिस इज न्यू, राइट। तो जो लास्ट टाइम हमने देखा था उसके कंपेयर में जो जो नए वो मैंने आपको दिखाया, अब जो लास्ट टाइम देखा था उसी के कंपेयर में ये सारे कैसे याद रखने उसको समझो। ये अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने किया था लास्ट टाइम, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमने क्या याद रखा था, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक,
याद नहीं है तो लेट अस सी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए साइन थीटा और नॉट, राइट? और पर्टिकुलरली आई कैन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको बस वो लेना है कि जिस तरीके से वो फॉर्म उसका बन जाए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? क्या ये पता चल रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आई एम गोइंग टू टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाय अन्ना। हाँ सर। ओके ग्रेट। अब ये उसी टाइप का है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सभी जगह पे स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हम लिखते थे, राइट? अब यहाँ पे उसकी जगह है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर में हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेंशन दिस एक्स स्क्वायर, देन वी आर गोइंग टू मेंशन दिस 2ax, अर्लियर इट वाज ओनली ए स्क्वायर, नाउ इट इज 2ax, देन आई एम गोइंग टू टेक योर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इट इज क्लियर हुई एवरीवन? हाय अन्ना, कुछ तो बोलो। तो ये एक्स एक्स आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एक्स इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब x इज इक्वल टू 2a sin square theta, दैट्स इट। यहाँ पे अगर 1 माइनस cos theta का सिंपलीफाई करोगे वही तो होगा, ये बस 2 sin square theta by 2 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? सो यहाँ पे आपको इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस। डायरेक्ट यहाँ पे आप ये प्रोसीजर अप्लाई करो और कुछ याद रखना नहीं है, जस्ट अप्लाई प्रोसीजर x square equal to 2ax sin square theta, फिर वहां से आपका x जो आ रहा है वो आपको लेना है x equal to 2a sin square। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे और आइडिया आता जाएगा। ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना, राइट? कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट? ओके चलो अब नेक्स्ट। ये स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो ऑलरेडी हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला देख चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था वहां पे हम लेते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, सो जस्ट वी विल टेक एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, राइट? सो नो नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। ये उसी से आपका डायरेक्टली बन जाएगा। जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था हम करते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक्स और ए है, सो एक्स विल बी इक्वल टू ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना, राइट? चलो नेक्स्ट। स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स इंटू ए माइनस एक्स, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स ये वही वाला है, इसी टाइप वाला है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लेते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह बस आएगा एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आसान है। एंड फाइनली यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस ए, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। सो जब भी आपके पास x माइनस ए होता है हम वहां पे लेते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x और a है, तो x इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर थीटा। तो अब जो मैंने आपको बोला ये 9 टू 12 आपके स्पेशल केसेस हैं, विच आर योर स्पेशल स्पेशल केसेस ओनली, राइट? उसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके फंक्शनल स्पेलिंग सर आसान नहीं है, इतना सारा ध्यान रखना है गड़बड़ हो जाएगा। डोंट वरी, गड़बड़ नहीं होगा, राइट? अभी तो शुरुआत है। जो बेसिक कंसेप्ट याद रखने पहले वो समझ लो, ठीक है? अभी भी अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन लग रहा है मैं बस आपको बताता हूँ कि मुझे बस इतना बेसिक कंसेप्ट याद रखो फिलहाल, बाकी सारा क्वेश्चन से हो जाएगा। सिर्फ इतना कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है यू नीड टू टेक एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है ए कॉस टू थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ये सब आपके फॉर्मूला सही है। हाँ या ना, क्या सिर्फ इतना याद रख सकते हो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी है, राइट? स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर। बस इतना याद रखो, बाकी पूरा हम क्वेश्चन से बना लेंगे। हो जा a sin square plus b square, is this clear everyone, right? बाकी हम पूरा फिर बना देंगे क्वेश्चन के अंदर, राइट? ये वाला भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा। ये a tan थीटा वाला आप यहाँ से तो ले ही सकते हो, राइट? जो ऑलरेडी बोला है, ये वाला यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा केस है, दैट्स इट। बाकी सब क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके और ये वाला अगर आप याद रख लो तो वेल एंड गुड है।
नाउ द क्वेश्चन इज सर लिखना क्या है इसमें से, राइट, व्हाट यू नीड टू राइट। तो ऑलरेडी आपने ये तो लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आपने लिखा हुआ था, राइट, उसके नीचे ये तीन ऐड कर दो, उसके नीचे ये तीन ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आप क्या करो, मॉड्यूल में ये सारी चीजें दी गई है तो उससे आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मॉड्यूल में बस आप इनको हाईलाइट कर दो, मैंने बाकी सारी चीजें तो आपको लिखा ही दी है, इनको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कर दो मीन्स वो किस तरीके से आए हैं, वो अलग से याद नहीं रखना है, किस तरीके से आए वो आप बाजू में लिख सकते हो जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस क्विकली, यहां से आपका बाकी होगा ये वाला।